हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा निवेशक साथियों का हमारे स्टी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सहारा कंपनी के अधिकारी गिरफ्तार, 17 के विरुद्ध खिलाफ दर्ज। जी हाँ दोस्तों, 17 के विरुद्ध मामला दर्ज। वडोदरा 5 वर्ष में एक का डबल करने का झांसा देकर लोगों को 47,44,000 धोखाधड़ी के मामले में क्राइम ब्रांच ने सहारा कंपनी के 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में मकरपुरा के सहारा ब्रांच प्रबंधक सुरेंद्र सिंह सोलंकी, वडोदरा के सहारा ऑफिस के क्षेत्रीय प्रबंधक बलवीर सिंह राजपूत और ललित टावर्स स्थित शाखा के प्रबंधक जुबेर पटेल शामिल है। प्राथमिकी के इन पर लगाए धोखाधड़ी के आरोप तहसील रिंग रोड पर जय रणछोड़ नगर निवासी हितेश जगनारायण ने क्राइम ब्रांच लिखित शिकायत की थी, जिसमें सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड मालिक सुब्रत राय, सपना राय, ओपी श्रीवास्तव, देवेंद्र श्रीवास्तव सभी लखनऊ निवासी, गुड़गांव निवासी सोमी दत्ता लखनऊ निवासी, कुमकुम राय चौधरी, अशोक राय चौधरी जोनल रीजनल ब्रांच मैनेजर, सुनील चंद्र श्रीवास्तव, जीएस ठाकुर, बलवंदर सिंह, सुरेंद्र सिंह सोलंकी, सहदेव पाटिल, बबीता कुमारी, जुबैर पटेल, अजय दुबे, जयेश कुमार गांधी रावत, मीना देसाई, आरबी यादव धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। 5 वर्ष में डबल करने का झांसा दिया। शिकायत के आरोप में लगाया कि सभी ने कहा कि सारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट में निवेश करने से 5 वर्ष रुपये डबल हो जाएगा। इस स्कीम में फंसे निवेशकों ने वर्ष 2011 से रुपये जमा कराए हैं। हितेश सहित अलग अलग ग्राहकों ने इस स्कीम के तहत 47,44,640 रुपये जमा करा दिए, जो 5 वर्ष के बाद 1,14,11,270 रुपये हो गए। समय पूरा होने पर भी रुपये मांगे तो कहा कि 6 वर्ष में मुद्दत पूरी होती है। 6 वर्ष में समय पूरा होने पर निवेशकों ने रुपये मांगे तो सभी को सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड के रुपया ट्रांसफ़र करने की सलाह दी, लेकिन शिकायतकर्ता सहित अन्य निवेशकों ने रुपये ट्रांसफ़र करने में से मना कर दिया। तो कंपनी पदाधिकारियों ने कहा कि कंपनी में रुपये ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो रुपये अभी नहीं मिलेंगे। या दोस्तों, उनका कहने का मतलब है कि निवेशकों ने कहा कि आप हमारा पैसा दीजिए, हमें ट्रांसफ़र नहीं करना है। तो ऐसा कहने पर उनके पदाधिकारियों ने रुपये देने से मना कर दिया। और आगे है कि शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच ने, यानी कि जब निवेशक ने इनकी शिकायत की तो उस पर एक्शन लिया गया, और शिकायत करने के बाद क्राइम ब्रांच ने 17 आरोपियों में से वडोदरा निवासी 3 आरोपियों को शनिवार को देर रात गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको एस्टी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। कहने का मतलब आपसे हमारा ये है कि 17 आदमियों में से 3 आदमियों को गिरफ्तार किया और उनको भी छोड़ दिया गया होगा। तो दोस्तों, इस वक्त सहारा 2011 का पैसा अभी तक निवेशकों को नहीं मिल पाया है, कन्वर्ट पर कन्वर्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों, 2 प्रतिबंधित इकाइयों का पैसा तो सहारा सुब्रत राय ने जेल जाने से पहले क्यू शॉप में कन्वर्ट करा दिया था, और जब क्यू शॉप का पैसा मिलने का टाइम आया, जब समय सीमा मैच्योरिटी पूरी होने का टाइम आया और निवेशकों ने अपना पैसा मांगा तो उन्हें साफ इनकार कर दिया। तो दोस्तों, ऐसी ही इस वक्त स्थिति निवेशकों की बनी हुई है कि अपने 8-9 साल से ये पैसा फंसा हुआ है निवेशकों का, लेकिन कहीं से कहीं तक नहीं मिल पा रहा है। जब कन्वर्ट कर दिया गया तो सेबी द्वारा जो सहारा सुब्रत राय ने वहाँ पर पैसा जमा किया था 21,100 करोड़ रुपया, उसमें से केवल 105 करोड़ रुपये ही की देनदारी निवेशकों तक गई। तो दोस्तों, बाकी का जितना 21,000 करोड़ रुपया अब सहारा सुब्रत राय वापस मांग रहे हैं, उनका कहना सीधा सीधा यह है कि मैंने पहले इन लोगों का भुगतान कर दिया, जबकि दोस्तों भुगतान नहीं किया गया, केवल कन्वर्ट किया गया है पैसा। और कन्वर्ट पैसा जो इस वक्त किया गया है तो उस पैसे को सेवी विभाग ने बिना किसी जांच के, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी CBI जांच के, इन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि इतना कम निवेशकों के आवेदन, आखिर निवेशकों के इतने कम आवेदन क्यों आए। तो दोस्तों, आज क्यू शॉप के निवेशकों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, ना तो उन्हें सेवी विभाग ही पैसा दे पा रहा है, ना सुब्रत राय दे पा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट को
इस वक्त गुमराह किया हुआ है सारा सुब्रत राय ने, ये कह कर के मैंने सभी पैसा दे दिया था, मेरे ऊपर ये डबल चार्ज रखा जा रहा है। तो दोस्तों अब जितने निवेशकों ने वहाँ पर बॉन्ड भेजे थे उनके हिसाब से 105 करोड़ रुपए की देनदारी हुई बाकी पैसे के लिए। इस वक्त सारा सुब्रत राय ने अपने पैसे को सेवी विभाग से वापस मांगा है। दोस्तों ये पैसा वापस चला भी जाएगा, लेकिन निवेशकों का पैसा आज भी अटका हुआ है और कल भी अटका रहेगा। तो दोस्तों आगे जो भी न्यूज़ हमारे पास आएगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आपसे हमारा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।